प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के अलग अलग हिस्सों से कंटेंट बनाने वाले 23 लोगों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने एक क्रिएटर को सम्मानित करते हुए एक मजेदार किस्सा सुनाया। दरअसल ये किस्सा ट्रेन में सीट ढूंढने का था। उन्होंने बताया कि किस तरह से वे ट्रेन में सीट ढूंढने के लिए जुगाड़ किया करते थे। दरअसल पीएम मोदी ने जिस क्रिएटर को सम्मानित करते हुए अवार्ड दिया, उनका नाम अरिदमन है। वो धर्म, संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लोगों के लिए मजेदार वीडियो बनाते हैं। पीएम मोदी ने अरिदमन को बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि उस समय रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता था, तो मैं किसी का हाथ पकड़कर उसे देखना शुरू कर देता था। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था कर देते थे। वहीं अब उनके इस वायरल वीडियो के बाद से ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं मजा आएगा। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचता ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता था देखना। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, जो इंसान बचपन में ट्रेन की एक सीट के लिए फर्जी ज्योतिष बन गया हो, वो 272 सीटें जीतने के लिए कितना गिरेगा, आप कल्पना कर लीजिए। इसी पर एक यूजर का कहना था, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि कुर्सी उसे बचपन से ही प्यारी है, फिर चाहे वो किसी को मूर्ख बनाकर मिले या किसी की भावनाओं के साथ खेलकर। इसी पर एक यूजर मजे लेते हुए लिखते हैं, ये क्या मोदी जी खुद अपना अद्भुत बायोडेटा खुद दे रहे हैं और अंधभक्त ताली पीट रहे हैं। एक अन्य यूजर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी ये झूठ बोलते थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, आप वायरल हो रहे वीडियो पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।